हे फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनएक्स बिजनेस कंसल्टेंट के YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर से लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और उसके बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक की जो कि IATF स्टैंडर्ड का एक रिक्वायरमेंट भी है और आपके लिए बेनिफिशियल भी है। तो आज का टॉपिक है हमारा एस्केलेशन प्रोसेस के ऊपर। एस्केलेशन प्रोसेस, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से IATF 16949 2016 स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट हुआ है तब से ये हर कंपनी को एस्केलेशन प्रोसेस बनाने की जरूरत है। और अगर देखा जाए तो ये IATF की रिक्वायरमेंट भी है और अगर आप इस एस्केलेशन को प्रोसेस को बना लेते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है। तो आगे हम लोग बात करेंगे एस्केलेशन प्रोसेस क्या है, क्यों बनाना चाहिए। तो एस्केलेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये IATF की रिक्वायरमेंट तो है ही, लेकिन इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपकी कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपकी मैन्युफैक्चरिंग में, क्वालिटी में, इंजीनियरिंग में, मेंटेनेंस में बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम हमेशा कभी ना कभी आती रहती हैं और उन प्रॉब्लम्स को लेकर उनकी टीम बहुत ज्यादा उसमें परेशान रहती है, बहुत टाइम तक उसमें अपने टाइम को भी वेस्ट करती है और कई बार ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि 10-12 घंटे या दो दो शिफ्ट, दो दो दिन तक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है और दो दिन के बाद फिर हम टॉप मैनेजमेंट की हेल्प लेते हैं या किसी एक्सपर्ट का सपोर्ट लेते हैं या अपने कस्टमर के पास जाते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है और नाउ वी कांट डू एनीथिंग। तो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, प्रॉब्लम को रियल टाइम सॉल्यूशन करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को बड़ा होने से बचाने के लिए एस्केलेशन प्रोसेस का डिफाइन करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए IATF के दो क्लॉज है जिसमें एस्केलेशन प्रोसेस को मेंशन किया गया है। क्लॉज नंबर 4 जो कि है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उसके अंदर एक सब क्लॉज आता है 4.4.1.2 जिसमें हम बात करते हैं प्रोडक्ट सेफ्टी की। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाते हैं जो प्रोडक्ट सेफ्टी से रिलेटेड है, जो कि आपके यूजर के लिए किसी भी तरीके से सेफ्टी से रिलेट करता है, तो ऐसे प्रोडक्ट को बनाते वक्त आपको एस्केलेशन प्रोसेस को बनाने की ज्यादा जरूरत है। और दूसरा क्लॉज आता है क्लॉज नंबर 9 जो कि है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और उसके अंदर सब क्लॉज आता है 9.1.1.1 मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को जब आप मॉनिटर एंड मेजर करते हैं तो उस वक्त अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ टॉलरेंस चला जाता है, कोई डेविएशन आता है, तो आप उसमें क्या रिएक्शन प्लान रखेंगे और कैसे एस्केलेशन प्रोसेस को आप वहां पे डिफाइन करेंगे। इन दोनों ही क्लॉजेस की ये रिक्वायरमेंट है एस्केलेशन प्रोसेस। और आपके कंपनी में ये एस्केलेशन प्रोसेस आप जहां भी आपको लगता है जहां पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, टाइम पे सॉल्व नहीं होती है, वहां पर आप एस्केलेशन प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं। हम बात करते हैं एस्केलेशन मैट्रिक्स जो कि एस्केलेशन प्रोसेस का एक पार्ट है। सबसे पहले आपको एस्केलेशन प्रोसेस डिफाइन करना है, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके स्टेप्स, एंड देन उसके अंदर आप एक एस्केलेशन मैट्रिक्स को बना सकते हैं जो आपके प्रोसेस को बहुत ही आसान तरीके से एस्केलेट कर सकता है। सो एस्केलेशन मैट्रिक्स की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो आपके प्रोसेस में प्रॉब्लम आई है उसको टाइम पे रिजॉल्व करने की जरूरत है, जो आपकी टीम से सॉल्व नहीं हो पा रहा है उसको एस्केलेट करने के लिए। तो सॉल्व द प्रॉब्लम इन रियल टाइम, ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम को आए 2-3 दिन हो गए और उसके बाद आप उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। रियल टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। टू टेक द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन टाइम व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी आपको लगे एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है आपको ऑन टाइम लेना है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आते आते 2-3-4 दिन निकल गए और उसके बाद आप एक्सपर्ट को बुलाते हैं कि सर वी कांट डू एनीथिंग ऑन दिस प्रॉब्लम, प्लीज सपोर्ट अस। द लास्ट प्रॉब्लम इज देयर शुड नॉट बी एनी फेलियर इन सिस्टम ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट। तो आपको अपने प्रोसेस में हर एस्केलेशन लेवल को डिफाइन करना है, कब आपको किससे सपोर्ट लेना है वो डिफाइन करना है, सो दैट कोई फेलियर ऐसा ना हो जो सपोर्ट ना मिल पाने के कारण से बड़ा हो जाए। इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हम एस्केलेशन प्रोसेस और उसके अंदर एस्केलेशन मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, बनाते हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं एस्केलेशन मैट्रिक्स किस तरीके से हम बना सकते हैं। उसका एक एग्जांपल मैंने डिफाइन किया हुआ है, बनाया है आप लोगों के लिए। सो सोचिए आपके किसी प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है और आपकी वर्किंग टीम उस पर बहुत देर से काम कर रही है और काम करते करते वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए एक टाइमलाइन डिफाइन किया गया है और एस्केलेशन मैट्रिक्स में एक क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है। सो इफ प्रॉब्लम इज नॉट रिजॉल्व बाय द वर्किंग टीम विद इन 30 मिनट, तो 30 मिनट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो दे नीड टू आस्क टू देयर सीनियर, उनको अपने सीनियर के पास जाना है, सुपरवाइजर के पास जाना है, इंजीनियर के पास जाना है, मैनेजर के पास जाना है कि सर वी कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, प्लीज सपोर्ट अस। तो उसके बाद उनका सीनियर आएगा, उनका सुपरवाइजर आएगा जो उस प्रोसेस को जानता है, ही विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम
within 60 minutes. So, usko bhi ek unlimited time nahi milega. Within 60 minutes, they need to solve the problem. Lekin kya hoga? Agar wo 60 minute ke andar problem ko solve nahi kar paata hai, in that case, usko bhi support ki zarurat hai. And then वो अपने expert के पास जाएगा, जो कोई process का expert हो सकता है, manufacturing का expert हो सकता है, engineering का, quality का, किसी भी area का वो expert हो सकता है. वो अपने expert के पास जाएगा और उससे कहेगा कि sir, I'm not able to solve this problem, please support me, please support my team. Then वो expert जो process का है, वो उस problem पे काम करेगा और उसको solve करने की कोशिश करेगा. But a problem is also not resolved by the expert team within 2 hours, within 120 minutes. So, अगर 120 मिनट के अंदर, 2 घंटे के अंदर वो एक्सपर्ट भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है. और ऐसी प्रॉब्लम के लिए हमें फिर ऊपर एस्केलेट करने की जरूरत है. Then all will go to the FMT, which is a factory management team, या आप टॉप मैनेजमेंट भी कह सकते हैं. So, वहां पे फिर आपकी टॉप मैनेजमेंट एक मीटिंग डिफाइन करेगी, मीटिंग में बैठकर उस प्रॉब्लम को रियली डिस्कस करेगी और हो सकता है वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो. सो एज पर प्रॉब्लम सीवियरिटी एप्रोप्रिएट एक्शन नीड टू टेक बाय द फैक्ट्री मैनेजमेंट टीम और टॉप मैनेजमेंट टीम, उनको मिलकर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, वो कंपनी ऑटोमोटिव OEM को सप्लाई करती है, TOEM को सप्लाई करती है, तो आपके कंपनी में IATF का स्टैंडर्ड जरूर होगा. अगर IATF का स्टैंडर्ड आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो आपको एस्केलेशन प्रोसेस बनाने की जरूरत है. और उसके साथ ही ये एस्केलेशन मैट्रिक्स भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ना केवल स्टैंडर्ड को फुलफिल करने के लिए, ऑडिट को फुलफिल करने के लिए, बल्कि आपके इंटरनल बेनिफिट के लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. अगर आप ये बना लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके किसी भी प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा और प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी, रियल टाइम में सॉल्व होगी. फ्रेंड, मैंने इस प्रेजेंटेशन का लिंक अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. अगर आप इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करना चाहें, इस मैट्रिक्स को डाउनलोड करना चाहें, तो वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि ये एस्केलेशन मैट्रिक्स, एस्केलेशन प्रोसेस आपको कैसा लगा और क्या ये आपकी मदद करने वाला है या नहीं. आगे और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए प्लीज मुझे लाइक और शेयर करके मोटिवेट करना ना भूलें. थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट.